आप भी प्लांट्स में लगे हुए कीड़ों से परेशान हैं और आप कोई भी केमिकल्स अपने प्लांट्स पे नहीं यूज़ करना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा 5 इजी होममेड सॉल्यूशंस जिसमें आपको केमिकल्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और आप अपने प्लांट्स को कीड़ों से बचा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल और गैचर की दुनिया में आप सभी लोग का स्वागत है। एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनिक होममेड पेस्टिसाइड की। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी आपको प्लांट में पेस्ट दिखता है तो आपको सबसे पहले प्लांट को फर्स्ट एड देनी है, जिसमें आपको जो भी इन्फेक्टेड एरिया है उसको पहले कट करना है। मिलीबग्स क्या होता है, यूजली एक जाला बना लेते हैं, कॉलोनीज बना लेते हैं। उस कॉलोनीज पे एक्सटर्नली आप जो भी स्प्रे करोगे वो उनको इफेक्ट नहीं करेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप कटर या नाइफ यूज कर रहे हैं उसको एल्कोहल लिक्विड से साफ कर ले। जो भी आपने स्टेम कटिंग करी है उसको या तो जला दे या तो बहुत दूर उसको फेंक दे, क्योंकि आपके दूसरे प्लांट्स में उस लगने में टाइम नहीं लगेगा, वो उस स्टेम से निकल के दूसरे प्लांट्स में चले जाएंगे। सो हियर कम्स द सेकंड पार्ट, जहाँ पे आपको कटिंग के बाद स्टेम्स और लीव्स को क्लीन करना है। टेक सम वाटर और इसमें आप डिटर्जेंट या शैम्पू मिक्स करके कॉटन के क्लोथ से लीव्स और स्टेम्स को क्लीन करिए। इससे क्या होता है, जो भी पेस्ट है वो सब उसमें से निकल जाते हैं। होममेड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के लिस्ट में सबसे ऊपर आता है नीम ऑयल। नीम ऑयल के बारे में हम सबने सुना है, बट इसको घर में कैसे तैयार करें उसके बारे में आज बात करते हैं। और इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे है विनेगर सॉल्यूशन। और इसमें ध्यान रखें कि आपका विनेगर की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए, 2 से 3 चम्मच 1 लीटर पानी में इनफ होता है। और इसको आपको अच्छे से लीव्स पे और सॉइल पे भी आप इसको स्प्रे कर सकते हो, और जिसको भी एंट की चींटियां लगने की दिक्कत हो जाती है प्लांट्स में उससे भी आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। लिस्ट में थर्ड नंबर पर है पील सॉल्यूशन। पील मतलब छिलका, इसमें पोटैटो, अनियन, गार्लिक, इन सब के पील्स यूज होते हैं।
सो दीज ऑल पील सॉल्यूशन विल एक्ट एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर ऑल्सो. इससे क्या होता है, प्लांट को नेचुरली लीव्स के थ्रू उनको न्यूट्रिशन मिलता है इससे. तो ये एज अ पेस्टिसाइड और एज अ फर्टिलाइजर भी काम करता है. और यहाँ लिस्ट में फिफ्थ नंबर पर आता है सोप सॉल्यूशन. बाकी यूट्यूब पे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज है, जैसे डिटोल, सैनिटाइजर, पता नहीं क्या क्या चीजें यूज करी है. बट ये सारे सॉल्यूशंस जो मैंने आपको 5 सॉल्यूशंस बताए वो ट्राइड एंड टेस्टेड है. तो वो सब सॉल्यूशंस मैं अपने घर पे यूज करता हूँ. मैं बाहर से मार्केट से पेस्टिसाइड नहीं परचेज करता हूँ. और एक और चीज ध्यान रखे कि आप प्लांट को ज्यादा से ज्यादा सनलाइट में एक्सपोज करें, क्योंकि पेस्ट ज्यादातर वही प्लांट्स में लगते हैं जहाँ पे धूप या वो शेडेड एरिया में होते हैं. आप हमेशा देखना वो उसी स्टेम में लगा होगा, पेस्ट उसी स्टेम में होगा जो वो शेडेड एरिया में होगी, क्योंकि सनलाइट में पेस्ट अटैक नहीं कर पाते. इसमें आप कोई भी सॉल्यूशन ट्राई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली. एवरी वीक डालना है फॉर अ मंथ, मतलब आपको हर हफ्ते डालना है. महीने में 4 से 5 बार ही आपको यूज करना है इसको. तो आपको समवॉट आपका वीक में 1 से 2. एंड हियर कम्स द पार्ट वेयर हाउ टू डिटेक्ट योर प्लांट वेदर इट इज अफेक्टेड और नॉट. तो अब बात करेंगे कि कैसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि प्लांट में पेस्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ है. कुछ साइंस होते हैं जो प्लांट हमें शो करता है, क्योंकि यहाँ पे 60% हम लोग को विजिबल होता है. जो भी इंसेक्ट होता है या पेस्ट होता है वो हमें विजिबल होता है, बट 40% सिर्फ हमें साइंस से पता करना होता है कि प्लांट अफेक्टेड है या नहीं. आइए आपको बताते हैं कि वो कौन से साइंस होते हैं. अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि लीव्स कैसे पेल हो गई है, इसका रंग पूरा चेंज हो गया है और लग कोई चीज की कमी है, बट वो यूजुअली पेस्ट के अटैक की वजह से होता है. अब सेकंड आप ये चीज देखिए कि यहाँ पे जैसे लीव्स में ऐसे स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो ये भी एक रीजन है पेस्ट अटैक का, क्योंकि वो प्लांट को इन्फेक्ट कर देते हैं. तो इस वजह से ऐसे अनयूजुअल से हमें लीव्स पे पैटर्न्स दिखते हैं. और अगर ऐसे लीव्स में कट्स के निशान है तो ये भी एक इंसेक्ट अटैक है. ये वैसे कैटरपिलर की देन है, क्योंकि इस प्लांट में मेरे 3 से 4 कैटरपिलर्स लगे हुए थे जो रेगुलरली लीव्स को खा रहे थे. तो आपको फिजिकली ऐसे पता चल जाएगा लीव्स में, आप देखोगे जैसे बाइट कर रखा है इसको, आपकी लीव्स को खा रखा है. और यहाँ पे सबसे कॉमन पैटर्न ये है कि यहाँ पे लीव्स कर्व हो जाती है. इसका यही मतलब होता है कि इस प्लांट में पेस्ट अटैक हो रखा है. तो आप इन 5 सॉल्यूशन में से कोई भी सॉल्यूशन आप यूज़ करोगे, आपको डेफिनेटली उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा. और उससे पहले आप जो भी कर्व हुई हुई लीव्स है उसको सीजर से कट कर देंगे.